हाय दोस्तों, लाइक्रास टीवी में आप सभी का स्वागत और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो हिंदी में है और आज एक रेसिपी वीडियो बन रही है। रेसिपी का नाम इडली पाउडर, कुछ लोग इसे गन पाउडर भी कहते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मूंगफली, 100 ग्राम रोस्टेड चना दाल, 15 से 20 सूखी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, जीरा 1 टेबलस्पून, धनिया 2 टेबलस्पून, तेल 1 टेबलस्पून। चलिए आप इसे बनाने की विधि सीख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टोव ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें हम धनिया डालेंगे। धनिया के साथ साथ हम जीरा भी डाल देंगे। अब धनिया और जीरा को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। इसे तब तक भुनना है जब तक धनिया और जीरा अच्छे से भुन जाए। अभी धनिया और जीरा अच्छे से भुन गए हैं और उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसे हम स्टाव से निकाल के एक प्लेट में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। फिर उसी बर्तन में हम थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें लाल मिर्च डाल देंगे और भून लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत टेस्टी भी। जब भी आप इडली या डोसा बना रहे हैं और आपको चटनी बनाने की टाइम नहीं है, तो फिर आप फटाफट ये पाउडर निकाल के उसमें थोड़ा घी मिला के इडली, डोसा या स्टीम्ड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी रहता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। लगभग हमारे लाल मिर्च भी अब भुन चुके हैं, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। फिर उसी बर्तन में हम अब मूंगफली भी भून लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, आप जब भी ये चीज़ भून रहे हैं, आप मीडियम या लो फ्लेम में भूनिए। अगर आप हाई फ्लेम में भूनने लगेंगे तो ये चीज़ ऊपर से जल जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इससे क्या होता कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो गन पाउडर हम बना रहे हैं वो बिल्कुल टेस्टी नहीं रहता। इसलिए ध्यान रखिए, आराम से आप भूनिए। हमारे मूंगफली भी अभी पक चुके हैं, तो अब हम इसमें रोस्टेड चना दाल डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। ये रोस्टेड चना दाल जो है पहले से भुने हुए रखते हैं, जब हम मार्केट से लाते हैं तो ये पहले से भुने हुए रहते हैं, तो इसे ज़्यादा देर भुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये गर्म होने तक चलाइए और निकाल दीजिए। हम सारे चीज़ जो भुन के अभी साइड में रखे थे वो सभी चीज़ को ठंडा करना है, तो हमारे सारे चीज़ जो हम भुन के रखे थे जैसे कि मूंगफली, रोस्टेड चना दाल, सूखी लाल मिर्च, धनिया और जीरा, ये सब ठंडे हो चुके हैं। तो ये मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ, मिक्सी में मतलब ये पाउडर बनाने के लिए। ये पाउडर आप एक महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर रख कर सकते हैं, ये बहुत फ्रेश रहता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी मिला देंगे। नमक थोड़ा कम ही डाले तो अच्छा, क्योंकि आप फाइनल स्टेज में चेक करके नमक अगर कम है तो ऐड कर सकते हैं।
अभी इसे हम ग्राइंड कर देंगे। इसे बहुत बारीक पाउडर ग्राइंड करना है इस तरह। अभी हमारा इडली पाउडर, गन पाउडर रेडी है सर्व करने के लिए। दोस्तों, मैंने देखा कि ज़्यादातर यूट्यूब में ये रेसिपी लोकल लैंग्वेज नहीं तो इंग्लिश में बना के रखा हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना हिंदी में बनाऊँ, ताकि मेरे हिंदी बोलने वाले दोस्त भी ये सीख ले और ये रेसिपी ट्राई करें। आप ज़रूर ये ट्राई करिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।